मित्रों, नीलावंती ग्रंथ जिसमें दी हुई जानकारी को आसानी से समझा नहीं जा सकता। कहते हैं जो इस जानकारी को समझ पाया है आज तक या तो वो धन स्मृति या वैभव पा गया है या फिर अपनी किसी चूक के कारण मौत के मुंह में समा गया है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सरकार द्वारा बैन किया गया है। आप लोगों को नाम से लग रहा होगा कि यह कोई धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने से असीम शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है, इसलिए इसे ग्रंथ कहा गया है। और हर एक ग्रंथ को इंसान द्वारा लिखा गया है और भगवान द्वारा दी हुई जानकारी को पुस्तक में डाला गया है। लेकिन इस ग्रंथ को इंसान द्वारा नहीं बल्कि यक्षिणी द्वारा लिखा गया है। नीलावंती एक कन्या थी जो बचपन से ही पेड़ पौधे जानवर पक्षी इन सब की बातें समझ सकती थी और इनसे बात कर सकती थी। बड़े होते होते नीलावंती पहचान गई थी कि वो एक यक्षिणी है। नीलावंती किसी शैतान द्वारा बताए गए तरीके से अपने लोक जाने वाली थी, लेकिन लोगों के हस्तक्षेप के द्वारा ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन नीलावंती हर रोज पत्तों पर ग्रंथ लिखती थी जिसमें असीम शक्तियाँ थी और उसे पढ़कर गड़े हुए खजाने खोजे जा सकते थे। लेकिन नीलावंती वो ग्रंथ किसी को देना नहीं चाहती थी और नीलावंती ने भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो करके श्राप दिया था कि जो कोई भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़कर इसका दुरुपयोग करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन जो इसका सदुपयोग करेगा वो गड़े हुए खजानों के बारे में जान पाएगा और धनवान बन जाएगा।